उत्तर प्रदेश की इंडिया गठबंधन के दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार कम दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच सीटों और गठबंधन को लेकर शुरू हुई बयानबाजी गुरुवार को अजय राय के बयान से नरम पड़ती दिखी, लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने MP चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ में उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव में डिमांड के अनुसार सीट नहीं मिलने पर दोनों पहले जुबानी जंग चली और अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दशहरा के बाद में अगले सप्ताह मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। अभी तक समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 33 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से कई और सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं, इसके लिए मंथन लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव का प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।